सपने में अजनबी व्यक्ति से लड़ाई करना या किसी अनजान व्यक्ति से लड़ाई करना, यह सपना शुभ या अशुभ दोनों हो सकता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक पहुँच सके और आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिले। आइए इस सपने के बारे में जानते हैं। सपने में आप अजनबी व्यक्ति से लड़ाई करते हैं, यह सपना शुभ या अशुभ दोनों हो सकता है। निर्भर करता है कि आपने सपने में क्या देखा है। कभी कभी हम ऐसा सपना देखते हैं और देखकर परेशान हो जाते हैं। ऐसे अजनबी व्यक्ति सपने में क्यों आया? सपने में अजनबी व्यक्ति से लड़ाई करना आपके वास्तविक जीवन में घटने वाले घटनाओं का संकेत देता है, जैसे आपकी निर्णय क्षमता, जोखिम भरा कार्य, आपके महत्व घर परिवार में किस तरह के हैं, आपके भाग्य, आपके लाभ और हानि से जुड़ा हुआ होता है। इन सपनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। आप सपने में देखते हैं किसी अजनबी व्यक्ति से लड़ाई कर रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति से लड़ाई कर रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर, और आपने सही निर्णय लिया है और उस बहस में आपकी जीत हो जाती है तो आपको निकट भविष्य में लाभ देखने को मिलेगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा। हो सकता है आपको आगे चलकर धन लाभ हो, आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, कार्य में प्रगति इत्यादि का संकेत देता है। पर आप सपने में देखते हैं कि आप अजनबी व्यक्ति से लड़ाई में हार जाते हैं तो यह सपना आपके लिए अशुभ सपना माना गया है। यह सपना आपके मुसीबत को बढ़ाने वाला सपना माना गया है। आपके जीवन में समस्या बढ़ सकती है, आप वास्तविक जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या किसी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको रुकावटें दिक्कतें दिख रही हैं। खासकर यह सपना धन से संबंधित मामले हो सकते हैं। अनजान व्यक्ति से लड़ाई करना आपके जीवन की प्रायिकता को प्रदर्शित करता है। ऐसे सपने ज़्यादातर आपके निर्णय पर निर्भर करता है कि आप वास्तविक जीवन में कितना जोखिम उठा सकते हैं या आप जोखिम उठाने जा रहे हैं तो उसमें आपको कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अनजान व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं का सीधा सीधा संकेत देता है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं और उसको अपने जीवन पर लागू करते हैं तो आपको ज़रूर उसका लाभ देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।